नाज़रीन, आप नाज़रीन आप देख देख रहे हैं रहे हैं हमारा हमारा चैनल चैनल इल्म इल्म की की बहार बहार और और मैं मैं हूं हूं आपका आपका होस्ट होस्ट अली। अली। नाज़रीन, नाज़रीन, एक एक दफ़ा दफ़ा का का जिक्र जिक्र है है कि कि रसूल रसूल अकरम अकरम लोगों लोगों से से मुखातिब मुखातिब हुए हुए और और फरमाया, फरमाया, ए ए लोगों, लोगों, मेरी मेरी बात बात गौर गौर से से सुनो। सुनो। कभी कभी ऐसा ऐसा होता होता है है कि कि कोई कोई शख्स शख्स माँ माँ बाप बाप की की जिंदगी जिंदगी में में तो तो उनके उनके साथ साथ नेकी नेकी करता करता रहता रहता है है और और उनकी उनकी खिदमत खिदमत करता करता है, है, मगर मगर वालिदैन वालिदैन के के मरने मरने के के बाद बाद उनका उनका हक हक अदा अदा नहीं नहीं करता करता और और ना ना ही ही उनके उनके लिए लिए मगफरत मगफरत तलब तलब करता करता है। है। इस इस वजह वजह से से खुदा खुदा उसको उसको माँ माँ बाप बाप की की तरफ तरफ से से आग आग कर कर देता देता है। है। और और कभी कभी ऐसा ऐसा भी भी होता होता है है कि कि जिंदगी जिंदगी में में कोई कोई शख्स शख्स माँ माँ बाप बाप की की तरफ तरफ से से आग आग होता होता है, है, मगर मगर मरने मरने के के बाद बाद वो वो उनका उनका कर्ज कर्ज अदा अदा करता करता है है और और उनके उनके लिए लिए अस्तगफार अस्तगफार पढ़ता पढ़ता रहता रहता है है और और अपने अपने माँ माँ बाप बाप के के लिए लिए मगफरत मगफरत तलब तलब करता करता है। है। इसी इसी वजह वजह से से खुदा खुदा उसको उसको माँ माँ बाप बाप के के साथ साथ नेकी नेकी करने करने वालों वालों में में लिख लिख देता देता है। है। नाज़रीन, नाज़रीन, इस इस वाक्य वाक्य से से हमें हमें सबक सबक मिलता मिलता है। है। हमें हमें चाहिए चाहिए कि कि माँ माँ बाप बाप के के साथ साथ उनकी उनकी जिंदगी जिंदगी में में नेक नेक सलूक सलूक करें करें और और उनकी उनकी वफात वफात के के बाद बाद उनके उनके लिए लिए अस्तगफार अस्तगफार पढ़ा पढ़ा करें। करें। उनके उनके लिए लिए अस्तगफार अस्तगफार पढ़ा पढ़ा करें। करें। उनके उनके लिए लिए अस्तगफार अस्तगफार पढ़ा पढ़ा करें। करें। नाज़रीन, नाज़रीन, अगर अगर आपको आपको हमारी हमारी वीडियो वीडियो पसंद पसंद आई आई हो हो तो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना करना मत मत भूलिएगा। भूलिएगा। थैंक थैंक यू। यू।